नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दक्षिण कोलकाता के माजरहाट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है। माजरहाट के अलीपुर इलाके में एक 40 साल पुराना ब्रिज गिर गया। आपको बता दें, ये हादसा कल यानी मंगलवार की शाम करीब 4:45 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज का मरम्मत कार्य चल रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ब्रिज का मरम्मत कार्य चल रहा था तो आवागमन को बंद क्यों नहीं किया गया। इस घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लग गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 21 लोगों के घायल होने की खबर है। जहां पर यह हादसा हुआ है वो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें, ब्रिज के नीचे से रेलवे लाइन गुजरती है। ब्रिज के गिरने से रेल मार्ग भी बंद हो गया है। तो वहीं इस ब्रिज के गिरने से राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। बीजेपी सांसद मुकुल राय ने हादसे पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। मुकुल राय ने कहा है कि इस हादसे की जिम्मेदारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी ले। ममता बनर्जी ने मरने वाले परिजन को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए सहायता देने की बात की है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।